कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने इस बार विधानसभा चुनाव के दंगल में उतरने का मन बनाया है और दामन थामा है बीजेपी का। असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी वीआरएस लेने की घोषणा की। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद अब बीजेपी में टिकट दावेदारों की संख्या भी बढ़ रही है। इस कतार में अब कानपुर के पहले पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भी शामिल हो गए हैं। असीम अरुण बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि प्रिय मित्रों, आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने वीआरएस के लिए आवेदन किया है, क्योंकि अब राष्ट्र और समाज की सेवा एक नए रूप में करना चाहता हूँ। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे भारतीय जनता पार्टी के योग्य समझा। आईपीएस असीम अरुण बीजेपी की तरफ से कन्नौज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। असीम अरुण मूल रूप से कन्नौज के ही रहने वाले हैं और इनके पिता स्वर्गीय श्रीराम अरुण यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। यूपी की राजनीति के लिए कानपुर से आज एक बहुत बड़ी खबर आई। दरअसल कानपुर पुलिस कमिश्नर तेज तरार आईपीएस असीम अरुण ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है और अब वो राजनीति में एंट्री कर रहे हैं। असीम अरुण ने सोशल मीडिया पर लिखे अपने संदेश में ये जानकारी दी कि उन्होंने वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का ऐलान किया है। अब कन्नौज से वो चुनाव लड़ेंगे और इस बार जो 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे यूपी में, इस बार वो चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। यूपी के आईपीएस अफसरों में असीम अरुण तेज तर्रार अफसरों में गिने जाते हैं और वे एटीएस के आईजी भी रह चुके हैं। शनिवार को वीआरएस की अर्जी मंजूर होने के बाद उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की थी और उसके बाद फेसबुक पर एक भावनात्मक मैसेज पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। कानपुर से अमित सिंह, टीम न्यूज़ स्टेट।